तो आज हम आए थे निक्कू भैया के पास, और कौन सी गाड़ी दिखा रहे हो? क्रेटा ई बेस मॉडल। बेस मॉडल है बिल्कुल, हमने DRL इंस्टॉल कर दिया, जो भी ओरिजिनल हुंडई जेन्युइन पार्ट है। ठीक है, ओरिजिनल DRL है। ग्रिल देखोगे तो ग्रिल टॉप मॉडल वाली नहीं है, पेंटेड वाली है, लेकिन लुक टॉप मॉडल वाली आ जाती है। लाई भी लगाया जो 18 इंची का L9 का है, जैसे टॉप मॉडल में आता है। वन टच लॉक पे दबाया, वन टच मिरर फोल्डिंग। ये देखो अनलॉक पे आया, नीचे पडल लैंप, पडल लैंप के साथ है। होती है स्टीयरिंग कंट्रोल की, जो कि इसमें हमने इंस्टॉल करा है, वो भी जेन्युइन हुंडई वायरिंग के साथ, क्रूज कंट्रोल वायरिंग के साथ, जेन्युइन हुंडई का। 28% ऑफ सेंटर स्पीकर। सेंटर स्पीकर ठीक है, इसके अंदर इंस्टॉल करा है। इसके अंदर स्पीकर प्लस ये ग्रिल दोनों चेंज होती है। तो इसमें देखो 360 लेन चेंज करते हैं तब भी आपका, देखो जैसे लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया तो लेफ्ट साइड का कैमरा एक्टिवेट हो जाता है, जैसे अपर मॉडल्स में हो रहा है। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे निक्कू भैया के पास, और कौन सी गाड़ी दिखा रहे हो? क्रेटा ई बेस मॉडल। बेस मॉडल है बिल्कुल। ठीक है, फ्रंट से तो ऑलमोस्ट बेस अभी लगी रही है, तो बिल्कुल इसमें बेस मॉडल आई थी। हमने टॉप वाला लुक दिया इसमें सारा काम, जैसे कि आप मिसिंग में देखोगे बेस मॉडल DRL नहीं आते हुंडई का, हमने DRL इंस्टॉल कर दिया, जो भी ओरिजिनल हुंडई जेन्युइन पार्ट है। ठीक है, ओरिजिनल DRL है, बिल्कुल ओरिजिनल DRL है। एक कॉपी भी आता है, कॉपी भी आता है इसका। ठीक है, इसके अलावा ग्रिल देखोगे तो ग्रिल टॉप मॉडल वाली नहीं है, पेंटेड वाली है। ठीक है, ठीक है, लेकिन लुक टॉप मॉडल वाली आ जाती है, जिसका थोड़ा बजट कम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन है आपके बिल्कुल। इसके अलावा देखो तो हेडलाइट में स्टॉक हेडलाइट में हैलोजन रोशनी आता है, इसको इंस्टॉल करके हमने 180 वाट का LED लगा दिया। ठीक है, 180, ठीक है, हाई लो दोनों में। ठीक है, और सेंटर की DRL जल चुकी है, ये देख सकते हो। और एक बार फ्रंट का थ्रो दिखाते हैं, डिपर मानना। ठीक है, अपनी वारंटी कितनी मिलती है? 2 साल की वारंटी है। 2 साल की, दो सेट लगे हुए हैं अभी, दो सेट लगे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो टॉप मॉडल वाली हेडलाइट अपने पास अवेलेबल होता है, अगर आपको लेना है तो टॉप मॉडल वाली हेडलाइट ले सकते हो, लेकिन उसमें लुक नहीं लुक क्या बोलते रोशनी नहीं आती। ठीक है, जैसे एक हैलोजन का एक LED का रोशनी है, उसमें दोनों हेडलाइट की रोशनी होगी। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में दिखा रखा था सारे सामान के साथ। हाँ ठीक है, इसके अलावा आगे से और क्या लगा सकते हैं? आगे से बम्पर किट आता है वो लग जाएगा, एक पियानो हो जाएगा। जैसे कि एक गाड़ी ना मेरे पास सुबह आई थी, ठीक है, दोनों गाड़ी का एक ही शोरूम से डिलीवरी हुआ था, कस्टमर भी अलग अलग है। हाँ, और एक एरी, दोनों कस्टमर अगर डिलीवरी भी एक ही शोरूम से लिए थे तो इनका थोड़ा जल्दी मिला, उनका डिलीवरी थोड़ा लेट मिला। ठीक है, इनको इससे ज्यादा काम उस गाड़ी में है, उसका पर्सनल एक वीडियो और होगा। ठीक है, उसका सेपरेटली दिखाएंगे। हाँ, इसमें बाकी मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या काम हुआ है। बाकी फ्रंट से अपना यही काम है, टॉप मॉडल वाली 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, बाकी एड ऑन किट्स लगवा सकते। हाँ बिल्कुल लगा सकते। साइड प्रोफाइल की बात करोगे तो इसमें हमने अलाई भी लगाया जो 18 इंची का L9 का है। ठीक है, L9 वाला बिल्कुल, उसमें 17 इंची का है, देखोगे तो डिफरेंस देखोगे। ठीक है, वो देखो वो 17 है, ये 18 है, 18 है। हाँ, तो L9 वाला काफी दिन बाद दिखा रहे हैं। बिल्कुल, L9 का अलाई भी ऐसे अवेलेबल होता है, जैसे कस्टमर का नीड होता है कि इनको 17 लगाना है कि इनको 18 लगाना है, तो ये 18 है वो 17 है। ठीक है, इसके अलावा देखो तो अलाई बिना लगे हुए लुक नहीं आता, ये अलाई है। इसके अलावा देखो तो एडवेंचर का वेंट हमने लगाया है यहाँ पे इंडिकेटर हटा के, जो ओरिजिनल होता है मोस्टली यही लगा रहे हैं, आफ्टर मार्केट लगा बिल्कुल। ये आउटर मार्केट थोड़ा अजीब सा लगता था, ये थोड़ा लुक आता है इससे। ठीक है, इसके अलावा देखो तो वन टच मिरर फोल्डिंग है अपना, अपना की से देखोगे तो जैसे टॉप मॉडल में आता है, वन टच लॉक पे दबाया, वन टच मिरर फोल्डिंग। ये देखोगे अनलॉक पे आया, नीचे पडल लैंप, पडल लैंप के साथ है, और 360 डिग्री कैमरा भी है। इसके अलावा डोर की बात करोगे तो डोर में अपना कोई क्रोम का वर्क नहीं किया गया हुआ है, वाइजर कस्टमर का नीड था, ओरिजिनल वाइजर है जो हुंडई का है, रूफ रेल अपना जेन्युइन है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो डोर में डैम किया गया हुआ है, चारों डोर डैम करे, चारों डोर डैम पे और डिक्की डैम पे। ठीक है, इसके बाद साइड प्रोफाइल से बस अपना कोई क्रोम वर्क काम नहीं था। ठीक है, इसके अलावा आप हैंडल भी चेंज करवा, हैंडल भी चेंज करवा सकते हो, उस गाड़ी में चेंज हो रहा है। ठीक है, रिप्लेसमेंट वाला बिल्कुल। इसके अलावा देखो शार्क फिन एंटीना अपना जेन्युइन है। ठीक है, इसके अलावा आप SX का बैजिंग देख सकते हो। ठीक है, देखो वाइपर नहीं है लेकिन SX का बैज हमने अभी लगाया हुआ है इसके अंदर। टेल लाइट जिनको चाहिए, टेल लाइट अपने पास वीडियो में दिखाया था, अपने पास अवेलेबल होता है, टेल लाइट आप लगवा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बॉडी किट जो आता है बैक में भी लग जाता है, जो अपनी इसके अलावा MTEC का जो हम डिफ्यूजर दिखाए तो वो भी अपने पास अवेलेबल होता है। ठीक है, ये बाकी अपना पार्सल ट्रे वगैरह इसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल पार्सल ट्रे है ये अपना, ग्रे वाली पार्सल ट्रे जैसे आपको नए वाले मॉडल में मिलता है। ठीक है, ब्लैक वाला नहीं है, ब्लैक वाला चाहिए तो भी मिल जाता है, ब्लैक वाला का थोड़ा कॉस्ट सस्ता होता है, ग्रे वाला का थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है, बाकी लेकिन हुंडई पे 28% डिस्काउंट है। हमने बूट लैम्प इसमें लगा दिया,
ठीक है। बैक में वूफर भी लगवा सकते हो जो कम स्पेस लेता है। बिल्कुल, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में सारा आ जाएगा उसमें। ठीक है, आउटर से यही सारा काम। बिल्कुल, यही सारा काम था। इंटीरियर में निक्कू भैया क्या क्या काम करा हुआ है? इंटीरियर में सबसे पहले आप देखोगे तो अपना सॉफ्ट टच है। ठीक है, सॉफ्ट टच करा है जो कि मोस्टली सारी क्रेटा में अभी तक हम। बिल्कुल, इसके अलावा देखो तो वन टच मिरर फोल्डिंग है, एक फिनिशिंग देख सकते हो आप। ठीक है, सेम डोर पैनल में। सेम डोर पैनल में कोई लोकल पैनल नहीं है। ठीक है, जो हुंडई का जनरल पैनल है। ठीक है, इसके अलावा इनर हैंडल आप चेंज करवा सकते हो, इसमें हमने टू टच सैश लगाया है। ठीक है, ये तो मैं दिखा रहा हूँ। एक कस्टमर हमारे पीछे गाड़ी लगी हुई है, वो करोलबाग मार्केट से काम करवा के आए हैं, उनका फिनिशिंग दिखाता हूँ काम मैंने। उनके पास बॉस का स्पीकर नहीं था, मेरे पास लेने आए हैं, वो कस्टमर से रिव्यू दिलवाऊंगा, काम भी दिखाता हूँ किस तरीके से कर रखे हैं। तो यही वाली क्रेटा है वो? बिल्कुल, ये वाली क्रेटा है, करोलबाग से ही काम हुआ है, कहीं और से हुआ है। ठीक है, तो भैया ने हमारे पास आए थे कि मेरे को बॉस का स्पीकर चाहिए जो किया जेन्युइन हुंडई जेन्युइन होना चाहिए। तो कोई i20 वाला नहीं है, आप देख सकते हो बीबी 100 नंबर, जैसे कि मैंने बताया था i20 और क्रेटा में क्या डिफरेंस होता है। क्रेटा का जो पार्ट नंबर होता है 9500 नंबर होता है, अभी भी सावधान हो जाओ, जो क्रेटा का पार्ट नंबर होता है बीबी 100 होता है। ठीक है, तो हमने इसमें बताया था 2200 वाला, वो i20 वाला, 2200 का जो स्पीकर होता है वो i20 का होता है, जो 5800 कुछ रुपए का स्पीकर आता है वो क्रेटा का होता है। ठीक है, इसका इसके अलावा भैया की गाड़ी में देखो वायर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मिरर फोल्डिंग करवाए हैं। ठीक है, ये मिरर फोल्डिंग का वायर मैं फ्री में, कस्टमर बोले ना फ्री में देना है तो मैं फ्री में लाइन लगा के बेच दूँ। ये वायर हम यूज नहीं करते हैं, ये हल्की वायरिंग है, यही दिखा रहा था मैं। ये वायरिंग हम यूज नहीं करते, ये भैया के में लगा हुआ। ठीक है, एक का रोल बाग से काम करवा के इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखोगे ओरिजिनल वायरिंग कटिंग है। ठीक है, तो ये करा हुआ है बिल्कुल इसलिए। और इसके अलावा देखो तो मैंने बॉस का स्पीकर लगा दिया है, बॉस का ट्विटर लग रहा है, ट्विटर सैश भी नहीं लगा हुआ था, मैंने ट्विटर सैश दे रहा हूँ यहाँ पे। सैश भी नहीं लगा के दिया ना? बिल्कुल, यहाँ पे हमने सेंटर स्पीकर लगा के दे रहे हैं। ठीक है, बाकी स्टेयरिंग क्रूज और सनग्लास होल्डर ये लगवा के आए थे। ठीक है, सनग्लास होल्डर जैन मैंने बिल्कुल। ठीक है, यही काम है। तो स्टीयरिंग क्रूज भी हम ही लगा के दे? नहीं, स्टीयरिंग क्रूज भैया लगवा के आए थे, सनग्लास होल्डर लगवा के, स्टूडियो और 360 कैमरा लगवा के, और मिरर फोल्डिंग करा के था, ये रूफ रिला ये लगवा के आए हुए हैं। ठीक है, देखो अभी से हिल रहा है। तो सारी चीजें हमने दिखा दी, ऐसे ऐसे दिक्कत वाले काम होते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो अब हम अपनी वाली गाड़ी में स्विच होते हैं वापस। तो अब इंटीरियर में दिखाते हैं, हमने वो दिखा दी, ऐसे क्रेटा करने वालों से सावधान रहो, क्या क्या है एक्सपोज करा आज हमने। भैया मैं सिर्फ एक बात बताता हूँ, देखो पर्ची लो चार जगह से, एक बार जरूर मेरे पास विजिट करके जाओ। जो बंदा जब करोलबाग में इतनी दुकानें भी नहीं थी तब से मैं क्रेटा बना रहा हूँ। ठीक है, आजकल नए लड़के सब आते हैं, ये यूट्यूबर पकड़ लेते हैं, वीडियो बना के डाल देते हैं, इतने परसेंट डिस्काउंट, 60% 70%, कहीं से नहीं होता ऐसे काम मिलेगा तो 70% का मैं 80 दे सकता हूँ ऐसे काम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रॉपर दिखाएंगे वो वाली दूसरी गाड़ी में कि कैसे कैसे काम होता है और कैसे कैसे ओरिजिनल। अगर ऐसे काम करना हो ना तो मैं 80% दूंगा हुंडई पे। तो निक्कू भैया अभी तो मुझे लग भी नहीं रहा उसके अंदर ओरिजिनल वायरिंग के साथ। अरे अभी वो खोल दूंगा ना तो वायरिंग का भी पता चल जाएगा, वायरिंग डाल रखा है, सिंबल बना के रखा। बिल्कुल, अभी चेक करवाऊंगा, अभी खुलवाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या क्या कर दिया अभी? इसके अंदर हमने, इसके अलावा देखो तो अपना टॉप मॉडल वाला सीट कवर है। ठीक है, ये वाले हम स्टार्टिंग से ये वाले करते हुए आए हैं सीट कवर्स। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो अपना सनग्लास होल्डर जेन्युइन है, क्योंकि उसमें मैंने सनग्लास होल्डर दिखा था जेन्युइन था, क्योंकि पेज से पता चल जाता है, मैंने देख लिया था। ठीक है, स्टीयरिंग क्रूज अपना जेन्युइन है। ठीक है, इसमें वायरिंग हार्नेस ओरिजिनल लगवाना, कहीं से भी लगवाओगे कोई? बिल्कुल बिल्कुल, 1081 का MRP होता है, इस पर 28% ऑफ मिलता है। ठीक है, बात करें इसमें हमने आमरेश में भी कपड़ा सॉफ्ट टच किया है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो एक बार अंदर से बैठ के दिखाते हैं, फ्रंट साइड से आ गए, अब दिखाते हैं इसमें हमने क्या क्या इंस्टॉल करा है। सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है स्टीयरिंग कंट्रोल की, जो कि इसमें हमने इंस्टॉल करा है, वो भी जेन्युइन हुंडई वायरिंग के साथ, क्रूज कंट्रोल वायरिंग के साथ, जेन्युइन हुंडई का 28% ऑफ। स्टीयरिंग कवर देखो जिगजैग, इसमें अपने पास दोनों ऑप्शन होता है, पियानो ले लो, मैट ले लो। कस्टमर ने थीम रखा मैट का तो मैट है, उस गाड़ी में मैं पियानो दिखाऊंगा, पियानो का थीम है तो पियानो रहेगा। ठीक है, तो मेनली अगर आपको लग रहा है ये मैट फिनिश है, तो मैट फिनिश इसलिए दिया है क्योंकि ये देखो ये सारी चीजें मैट है, तो मैट ही ज्यादा अच्छा लगेगा इसमें देखने के लिए। जो ग्लॉसी करवाता है उसके साथ ग्लॉसी लगाते हैं, ये नहीं कि भैया की रिक्वायरमेंट अगर ग्लॉसी की होती तो निक्कू भैया उन्हें ग्लॉसी लगा। बिल्कुल ग्लॉसी देता मैं। इसके अलावा देखो सेंटर स्पीकर, सेंटर स्पीकर ठीक है इसके अंदर इंस्टॉल करा है, इसके अंदर स्पीकर प्लस ये ग्रिल दोनों चेंज होती है। बिल्कुल ठीक है, तो इसके अंदर ये करा और 360 भी है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, एक बार वर्किंग दिखाते हैं। तो इसमें देखो 360 हमने पूरा इसके अंदर, अभी कैलिब्रेटेड है या कैलिब्रेशन के लिए अभी जाएगी? करना है। ठीक है, अभी करेंगे इसमें लास्ट में कैलिब्रेशन, बाकी एक बार आपको दिखा देते हैं। देखो ये बैक साइड है, राइट लेफ्ट फ्रंट वाला, फ्रंट साइड भी दिख जाएगा इसमें। ठीक है, ये फ्रंट साइड है, बाकी इसमें मेनली जो लेन चेंज करते हैं तब भी
ये आपका देखो जैसे लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया तो लेफ्ट साइड का कैमरा एक्टिवेट हो जाता है, जैसे अपर मॉडल्स में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सेम वही है, सेम फीचर। ठीक है, तो इसके अलावा निक्कू भैया इसमें क्या क्या काम हो सकता है? इसके अलावा इसमें अभी रियर वाइपर लग सकता था, बैक लाइट लग सकता था। ये मैं वीडियो बनाने का रीजन था कि सिर्फ बेसिक करा, जो अभी कोई क्रेटा लेता है वो मेरे कहने का मतलब भाई साहब देखो आप कहीं से काम करवाते हो, मैं बार बार इसलिए मैं दिखा दिया हूँ क्योंकि मेरे को काम खुद नहीं पसंद आया था वो। ठीक है, कस्टमर अभी मेरे पास आए थे, दिखाते नहीं है किसी की, मेन रीजन यही था कि दिखाने का, ये 60-70% भाई मेरा मेन रीजन यही था कि कहीं से आप काम करवाते हो, चाहे करोल बाग हो चाहे कहीं से हो, अगर आपको 60-70% दिया जाता तो ऐसे ही काम मिलेगा। अगर आप मेहनत से गाड़ी लेते हो 14-15 लाख की गाड़ी लेते हो, फिर गाड़ी की ऐसी तैसी करवाओगे तो मजा नहीं आता। मेरा मेन रीजन यही दिखाने का था कि आप आओ एक बार विजिट करो, जो गाड़ी जो बंदा करता है उस पर ट्रस्ट करो। अगर मैं क्रेटा करता हूँ सेल्टॉस करता हूँ तो अपने को भरोसा है, मेरे यहाँ जो एक बच्चा भी होगा कारीगर वो भी जाके पूरी गाड़ी बेस्ट टू टॉप बना सकता है। हम प्रॉपर वायरिंग के साथ करते हैं, हम वैसे वायर नहीं करते हैं। ठीक है, टैम्परिंग करी हुई है उस गाड़ी में, बहुत दिक्कतें आएगी तो भैया को सारा ठीक करके देंगे अभी जो जो काम करवाना उन्हें। बिल्कुल, बाकी इसके अंदर हमने यही सारा काम करा हुआ है। बिल्कुल यही था, बेसिक काम है। देखो इसके अलावा आपने अलाया 18 इंच देख लिया, बैक लाइट और वाइपर बच गया टॉप मॉडल में, और ग्रिल एक टॉप मॉडल वाला लगवाते तो वो था, बाकी तो बेस्ट बेस्ट टू टॉप है अपना। बाकी ये काम तो कोई भी बेस मॉडल लेते हो तो करवाना चाहिए, इसलिए मैं चेयर बैग वाला सीट कवर के साथ प्रॉपर फिटिंग के साथ हम पूरी गाड़ी बेस्ट टू टॉप तैयार किए हैं। ठीक है, तो यही सारा काम करा था हमने, तो एक बार कस्टमर का भी फीडबैक जान लेते हैं। फाइनली कंप्लीट हो गई क्रेटा ई का काम, तो अपने साथ ओनर है, उनका नाम जानते हैं सबसे पहले। मेरा नाम नवजोत सिंह है, हम पठानकोट से हैं, हमने डिलीवरी ली चंडीगढ़ से, और जैसा भाई ने बताया सेम शोरूम से हमने कल ही डिलीवरी ली थी, उन्होंने भी और हमने भी। ठीक है, सेम शोरूम से ये डिलीवर हुई है आपकी और ये वाली गाड़ी सेम। हम रेस लगा के पहले आ गए, हमारा काम पहले हो गया। ठीक है, तो मेनली आपको पता कैसे चला निक्कू भैया के बारे में? जो मेरे साथ है मेरा फ्रेंड, उसको काफ़ी ब्लॉग्स वगैरह देखता था इनके, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, तो ये ठानी हुई थी कि भाई जब गाड़ी मिलेगी तो इनसे तैयार करानी है। ठीक है, तो सारे पार्ट्स आपको जेन्युइन मिले यहाँ पे? यस यस। किसी चीज़ की कुछ कमी लगी हो? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा काम किया है, और क्राफ्टमैनशिप स्पेशली बहुत अच्छी है। जो यहाँ लेबर है उनको पता है कौन से फ्यूज़ कैसे आंखें बंद करके भी कर लेते हैं, और जो सीट कवर्स भी हमने यहीं से डलवाए हैं तो उनकी पफिनेस और बाकी जो लाइट्स वगैरह है क्वालिटी जेन्युइन पार्ट्स हैं, और डीलिंग भाई की बढ़िया है। ठीक है, टोटली सेटिस्फाइड है? एब्सोल्युटली, किसी चीज़ की कुछ कमी नहीं लगी। एक छोटी सी रेटिंग लेते हैं आपसे, 10 में से कितनी देना चाहोगे? आई वुड से 9.5। अगर कोई 0.5 भी दे दिया तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, कहेंगे कि हाँ भाई हम तो बेस्ट हैं। ठीक है, थोड़ी कटिंग तो चाहिए होती है। बाकी आपके साइड से जो भी देख रहा है रेकमेंड करेंगे निक्कू भैया को? डेफिनेटली प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आएँ, और कहीं और ना जाएँ, क्योंकि और भी यहाँ पे हमने कस्टमर देखे हैं करोल बाग से गाड़ी तैयार करा के उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहीं पर ठीक करा रहे हैं। सो रैदर दैन पहले तुम वहाँ पैसे खर्चो फिर यहाँ पर आओ, बेस्ट है सीधा यहीं पे आओ। तो भैया किसी को भी क्रेटा का काम करवाना है कहाँ आना पड़ेगा? भैया किसी को भी क्रेटा बेस्ट टू टॉप कराना है या बेसिक भी कुछ कराना है तो निक्कू का डेकोर 16/27 अब्दुल अजीज करोल बाग। ठीक है, बाकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है नंबर, आप रेट लिस्ट वगैरह व्हाट्सएप के थ्रू बता दोगे? रेट लिस्ट वगैरह व्हाट्सएप के थ्रू बता दोगे? हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप के थ्रू आपको कुछ जानना भी है, रेट लिस्ट चाहिए, प्राइस लिस्ट चाहिए, लोकेशन चाहिए, तो आप सब मांग सकते हो। ठीक है, अभी डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है? 28। ठीक है, यही है, कोई 60 नहीं है अभी? नहीं नहीं नहीं, ना जाओगे कभी 60? अरे भैया 60 वाला काम तो देखे हो ना, अभी दिखाया हूँ 60 वाला काम। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं और ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।